फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की मनमानी का मामला सामने आया है। एक तरफ अध्यापक ड्यूटी पर देर से पहुंच रहे हैं, तो वहीं बच्चों को जल्दी बुलाकर उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फिरोजाबाद में प्राथमिक विद्यालय का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मामला जिले के घुनपई गांव का है, जहां सुबह सुबह एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जल्दी स्कूल पहुंचने के बाद झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। बच्चों का झाड़ू लगाना एक वीडियो में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि अध्यापक स्कूल देर से आते हैं, लेकिन बच्चों को जल्दी बुलाकर उनसे झाड़ू लगवाते हैं। वहीं इस मामले की शिकायत जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की गई, तो उन्होंने अध्यापकों को नोटिस भेज कानूनी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही झाड़ू लगाने के मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरह से सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिरोजाबाद की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में एक सरकारी अध्यापक की पोस्ट पर तैनात अध्यापक ने यह झाड़ू लगाने की व्यवस्था बना रखी है। इनका काम खुद देर से आना और बच्चों से स्कूल की साफ सफाई कराना है। इनका कहना है कि बच्चों से ये सब कराने के लिए अधिकारियों ने बोला है, इसलिए उनसे ये कार्य कराया जा रहा है। देखिए, ग्राम पंचायत का जो सफाई कर्मचारी होता है, उसको ही विद्यालय में सफाई करनी होती है। श्रमदान के अंतर्गत जो है वो टीचर और बच्चे मिलकर जरूर विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। यदि कोई टीचर ऐसा कह रहा है कि यहाँ से उसको अनुमति मिली है, तो बिल्कुल गलत है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।